मुंबई की टीवी इंडस्ट्री भी कमाल की है। यहाँ रातों रात एक चलते हुए पॉपुलर शो से दो मशहूर एक्टर को निकाले जाने की खबर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं टीवी शो पटियाला बेब्स की, जिसमें नजर आने वाली परिधि शर्मा और अनिरुद्ध दवे को अचानक ही शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आपको बता दें, ये परिधि शर्मा वही हैं जिन्होंने मोस्ट पॉपुलर सीरियल जोधा अकबर में जोधा भाई का किरदार निभाया था और ये काफी पॉपुलर हुई थी। वहीं अनिरुद्ध दवे भी जाने माने एक्टर हैं और पटियाला बेब्स में वो हनुमान सिंह का किरदार निभा रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि परिधि शर्मा जैसी एक्ट्रेस को शो से अचानक बाहर कर दिया गया? आपको बता दें कि परिधि के मुताबिक शो में अचानक लीप आने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन वो खुद भी इस तरीके से हैरान है। परिधि शर्मा ने एक वेबसाइट से बातचीत करते हुए बताया, I got to know about my exit only on Tuesday. In any case, I wasn't satisfied with the way my track was shaping up. It started off as a strong and inspiring character, but the storyline digressed and my character started slipping around 2 months ago. I never wanted to play mother to a teenager, but I took up the show for my role. I'm glad that I'm not a part of the leap as there was nothing in it for me to explore. Had they not decided to end my track, I would have exited the show myself. It's just that it has happened the other way round. एक वक्त में परिधि शर्मा टीवी की सुपरस्टार्स में से एक थी। जोधा अकबर में रजत टोकस के साथ उनकी जोड़ी टीवी की सबसे खूबसूरत जोड़ी में से एक मानी जाती थी। जोधा के रोल में परिधि शर्मा की खूबसूरती के सब दीवाने थे। हालांकि जोधा अकबर के दौरान भी परिधि शर्मा अपने को एक्टर रजत टोकस के साथ लड़ाई की वजह से कॉन्ट्रोवर्सीज में गिर गई थी। खैर, अब पटियाला बेब्स की ऑडियंस के लिए अचानक से परिधि शर्मा का पर्दे से गायब हो जाना शॉकिंग तो होगा ही। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप भी अपनी ओपिनियन हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।